आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी मोबाइल में 7 टाइप सिस्टम साउंड सेटिंग के बारे में, जैसे कैसे डिसेबल करें स्क्रीन शॉट साउंड एंड डायल पैड साउंड, एंड कैसे एनेबल करें स्क्रीन लॉक साउंड, स्क्रीन टच साउंड, मैसेज सेंड साउंड, ग्लोबल डिलीशन एंड फीडबैक वाइब्रेशन। तो समय न गवाते आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेक्निकल सनी, और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में, हम खोलेंगे सेटिंग, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके आ जाएंगे नीचे। यहाँ पर हमें मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर आपके मोबाइल में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऊपर लिखा है सर्च सेटिंग, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं सर्च सेटिंग पे, उसके बाद हम लिखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन। तो हमारा नीचे यहाँ पर शो हो रहा है, हम चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं, हम कर लिए ओपन, या तो हम चाहे तो इसको बैक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन से। तो हम इसको कर लेते हैं क्लिक, उसके बाद हमारा हो जाएगा ओपन। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके फिर से आएंगे नीचे, नीचे आएंगे सबसे नीचे, जो हमारा यहाँ पर 7 पॉइंट दिया है, आज हम इसी 7 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारा जो सबसे पहला है डायल पैड टच टोन। इसमें क्या होता है, इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं म्यूट, हम कर लिए म्यूट। उसके बाद अब देखिए हम यहाँ पर कुछ डायल करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई साउंड नहीं आ रही। उसके बाद फिर से हम करते हैं सेटिंग, उसके बाद इसको टच करते हैं, फिर से हम करते हैं क्लासिक पे। इस बार हम कर दिए क्लासिक पे, अब देखते हैं क्या होता है। हम फिर से जब करेंगे क्लिक तो हमें साउंड आ रही है, ये नॉर्मल वाली जो सब लोग यूज करते हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर स्केल, इसको हम करेंगे क्लिक, उसके बाद जब हम करेंगे कोई नंबर डायल तो यहाँ कुछ अजीब टाइप की साउंड आ रही है, ये हो गया। तो ये हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया डायल पैड टच टोन। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट टच साउंड। अभी देखिए हम टच कर रहे हैं, कहीं भी कोई साउंड नहीं आ रही है। तो अब देखिए इसको हम करते हैं टच साउंड को अनेबल, हम कर दिए अनेबल, अब देखिए यहाँ पर साउंड आ रही है। तो ए हो गया, ए हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, इसको हम कर देते हैं डिसेबल, अब देखिए फिर से कोई साउंड नहीं आ रही है। अब हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट स्क्रीन लॉक साउंड, अभी हमारा डिसेबल है तो हम इसको करते हैं स्क्रीन लॉक, देखिए कोई साउंड नहीं आई, कोई भी साउंड नहीं आई, फिर से देखिए कोई साउंड नहीं आई। अब हम करते हैं इसको एनेबल, अब देखिए साउंड आई, हम फिर से देख लेते हैं एक बार, तो ए हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसको फिर से हम करते हैं डिसेबल। अब अगला हम देख लेते हैं स्क्रीन कैप्चर टोन, यहाँ पर जो डिसेबल है, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्क्रीन शॉट होता है यही है स्क्रीन कैप्चर टोन। अभी देखिए हम करते हैं एनेबल, हम स्क्रीन शॉट ले रहे हैं साउंड आई, फिर से ले रहे हैं साउंड आई, फिर से ले रहे हैं साउंड आई, इसको करते हैं डिसेबल, अब देखिए नहीं साउंड आई, फिर ले रहे हैं नहीं आई, तो ए हो गया। इसके बाद जो पांचवा नंबर है मैसेज सेंड साउंड, अभी ये हमारा ऑफ है। अब देखिए पहले मैसेज खोलते हैं अपना, हम खोलेंगे मैसेज, हम करते हैं मैसेज साउंड नहीं आई, फिर से करते हैं मैसेज साउंड नहीं आई, अब देखिए क्या होता है। अब हम फिर से चलेंगे सेटिंग में, उसके बाद हम खोलेंगे मैसेज सेंड साउंड को, करेंगे अनेबल, उसके बाद फिर से हम चलेंगे सेटिंग में, इस बार हम कर देंगे अनेबल मैसेज सेंड साउंड को, उसके बाद हम फिर से मैसेज खोलेंगे, अब देखिए हम मैसेज कर रहे हैं सेंड आई साउंड, आई साउंड, तो ए, इसको हम चाहे डिसेबल भी कर सकते हैं, हम चाहे तो एनेबल भी कर सकते हैं, तो हम कर दिए हैं एनेबल। इसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है ग्लोबल डिलीशन टोन, इसमें क्या होता है, अभी देखिए ये डिसेबल है, हम फिर से चलते हैं मैसेज में, हम चलेंगे मैसेज में, कुछ हम डिलीट करेंगे, हम कर रहे हैं इसको डिलीट, कोई साउंड नहीं आई, फिर से कर दिए डिलीट, कोई साउंड नहीं आई। अब इसको हम फिर से खोलेंगे सेटिंग, इसको हम करते हैं एनेबल, अब फिर से इसको हम करते हैं डिलीट, अब देखिए हम कर दिए डिलीट साउंड आई, फिर से कर दिया डिलीट साउंड आई, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा कॉपी कोई फाड़ के कहीं फेंक रहा है, ऐसा साउंड आ रही है। तो इसको हम कर सकते हैं बैक,
और यहीं पर नहीं, ये फाइल मैनेजर में भी वर्क करेगा। हम फाइल मैनेजर में भी कुछ डिलीट करेंगे तो अभी साउंड आएगी। जैसे हम इसको करते हैं डिलीट, साउंड आई। अब फिर से हम खोलते हैं सेटिंग, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट टच फीडबैक, इसमें क्या है, ये डिसेबल है। तो हम ऐसे बैक जब कर रहे हैं तो कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है। तो अब देखिए इसको हम करते हैं अनेबल टच फीडबैक, इसको हम करते हैं अनेबल। अब इसको बैक कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, फिर से हम करेंगे बैक, फिर से हमारा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हो गया। तो हम फिर से खोलते हैं सेटिंग, साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको हम चाहे तो ऑफ़ कर सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं अनेबल। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपको अपने मोबाइल में डायनेमिक सेटिंग करना है या साइड बैक सेटिंग करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देखकर अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।